पेट्रोल ऐसे कैसे हो गया कम? चुरा लिया क्या कोई पेट्रोल हुआ? ये गड़बड़ है भाई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स अराउंड 10:15, 10:20 एंड हम लोग मेरिक से निकल गए हैं दार्जिलिंग की ओर। ठंड बहुत थी पर जैसे तैसे जैसे उठ गए। होटल ठीक था, द मेन थिंग वाज कि खाना बहुत ही अच्छा था और खाना उतना महंगा नहीं था। हमने ब्रेकफास्ट वाज फ्री एंड लंच और डिनर किया था, तो द रेट वाज फिजिबल। होटल का रेट था 1600 विद ब्रेकफास्ट एंड लंच में, लंच और डिनर मिला के पूरा 2200 पड़ा हमारा। सो मेरा एक सवाल ये है कि जब गीज़र बाथरूम में रहता है वो नहाने के लिए है या फिर आपको मुंह हाथ धोना है इसके लिए? वो भी बॉडी का पार्ट है भाई। जो स्प्रे गन होता है वो भी तो बॉडी पार्ट के धोने के ही काम आता है। उसमें गीज़र क्यों नहीं, उसमें गीज़र कनेक्शन क्यों नहीं है यार? किसी को सोचना चाहिए यार, ये उसमें कोई कनेक्ट कर दे या फिर कुछ ऐसा कर दे कि भैया ठंडा गर्म मिक्स होके आए यार, पिछवाड़े को राहत मिलेगी भाई साहब। खैर, टंकी फुल हो गया है आई गेस। हम लोग जो कल ऑफ रोडिंग वगैरह किए और इतना जो धूम धड़क का किए स्कूटी की, माँ बहन एक कर दी, उसमें पेट्रोल पूरा पी गया इसका। बिकॉज मेरा एस्टिमेट था कि टंकी फुल क्यों करना, माइलेज तो ठीक ठाक देगा ही, बट आई गेस माइलेज इसकी उतनी अच्छी नहीं है। एंड जैसे कल चलाया हमने, वी कॉन्ट एक्सपेक्ट ऑल्सो कि माइलेज अच्छी मिले। सो आज भी टंकी फुल करा लिया बिकॉज दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी विल ऑल्सो बी अ लॉन्ग रूट। गोलपाल धारा टी स्टॉप। सो एक्चुअली गूगल मैप में अलग रास्ता दिखा रहा था, बट वी हैव कन्फर्म्ड हमें यही रूट लेना है बिकॉज दिस इज द बेस्ट रूट। इसलिए भाई लोकल ड्राइवर्स को भी पूछ लो, दे विल बी नोइंग। तो क्या हुआ, जहाँ पे होटल पर रुके हुए थे वहाँ पे पानी का पैसा दे दिया बट पानी का बोतल ही नहीं दिया, भूल गया। चलो कोई बात नहीं। तो नाउ एक्चुअली वी आर सो क्लोज टू नेपाल बॉर्डर। एक्चुअली आई थॉट आई विल फ्लाई ड्रोन हियर, बट फिर मैंने मैप पे देखा कि भाई वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू नेपाल बॉर्डर। मतलब आगे ऐसा हुआ कि रोड जो पैडल चलेगा लेफ्ट साइड नेपाल रहेगा, तो ऑब्वियसली ड्रोन तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है, इट वॉन्ट बी सेफ। ये रूट एक्चुअली थोड़ा लंबा है इट सीम्स, तो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज वो गूगल मैप शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है। So that's why it was not showing this route, maybe. एक मुझे बीच में लेपचा जगत पे रुकना है बिकॉज वहाँ बोल रहे थे कि अच्छा जगह है, अब देखते हैं रोड पे कुछ मिलेगा तो रुकेंगे। ये साइड नेपाल है, हाँ एकदम बॉर्डर पे ही हम लोग देख रहे हैं। ये बॉर्डर है, पशुपति नगर हम लोग क्रॉस किए, पूरा ये बॉर्डर पे ही चल रहे हम लोग। तो वो तो उधर था, नहीं तो उधर उस तरफ नेपाल है। हम लोग उस समय से एकदम नेपाल के बॉर्डर पे ही चल रहे हैं। चलो ये चाय पिया जाएगा भाई, हालत ख़राब हो रहा है, ठंड लग रहा है ना। सो बंद क्या नहीं कर रहा चिनवरे गधा, गधा है सही में। हाँ सो आई गेस वो पशुपति नगर का जो लेफ्ट साइड फाटक था वो उधर से नेपाल वी कैन गो, दैट पीक इज इन नेपाल आई गेस, आई डोंट नो। होली शिट, ये नेपाल में आई गेस, ये सील किया हुआ है ना पूरा, लगता है नेपाल है ये।
हाँ नेपाल है वो, इसलिए सील किया हुआ है। सिमाना 500 मीटर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। सुखिया बाज़ार दार्जिलिंग बस 20 किलोमीटर है आई गेस। अगर नॉन स्टॉप चले तो जल्दी पहुँच जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। आ गए लेपचा जगत, हम लोग यही जगत था। बिजन बरी फॉरेस्ट चेक पोस्ट। ओ भाई साहब ये क्या हो गया? Excuse me, Darjeeling, this one. हाँ ये टॉय ट्रेन वाला स्टेशन है, इधर भी तो जाम लगा ही हुआ है। करोगे क्या कैच पानी? थैंक यू। भाई साहब ये रहा होटल का नाम, ये है खिड़की, ये है हमारा कमरा। बेड तो सही है, सब सही है, बाथरूम कितना बड़ा है भाई।